नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में अक्सर थाना अध्यक्षों की मनमानी का मामला सामने आता है। एक बार फिर से नालंदा जिले के गिरियक थाना अध्यक्ष के मनमानी का मामला सामने आया है। एक पीड़ित जो गिरियक थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव के रहने वाले हैं, उनके द्वारा गिरियक थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसकी शिकायत इन्होंने नालंदा एसपी से भी की है। ये आदमपुर गांव के रहने वाले बाबूलाल चौधरी हैं। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर इनके साथ क्या कुछ घटना घटी है। पिछले 24 तारीख को इनके साथ गांव में ही कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा चंदा मांगने के विरोध करने पर मारपीट कर इन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था, और जख्मी होने के बाद ये लगभग 4-5 दिन अस्पताल में भी भर्ती रहे, लेकिन विरोधियों के मेल में आकर आज तक इन्हें पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं दिया गया है, न ही उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो इनके साथ मारपीट किए थे। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल चौधरी। क्या घटना घटा था? घटना यह है, मांगा गया थी पूजा के लिए। अच्छा, चंदा। चंदा तो मांगा था, 1000 रुपया दिए और हम कहा आप दीजिए, हम कहे नहीं है, कैसे देंगे, और हम विरोधी किया, गलमगारी किया, हमको गलमगारी नहीं करिए, हम बोलने में वने था, सब मिलकर एगो रट था, खंती था, एगो आशा था, सब मिलके वह धारदार हथियार से आपके ऊपर जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला किया। तो क्या हुआ था आपको? हमको माथा मारा तो हम गिर गए। अच्छा। और ऊपर से सब मिलके फिर मारने लगा। मारने लगा। उसके बाद फिर आप लोग थाना गए? थाना गए, थाना का निवेदन लेके तो कहा कि जाइए पहले इलाज कराइए। अच्छा। इलाज में हम गए अस्पताल, गिरियक अस्पताल, वहाँ इलाज थोड़ा किया है, इलाज सुबह बाद दे गए, पट्टी उट्टी और टाका को दे कर फिर भेज दिया कि रेफर कर दिया पावापुरी। पावापुरी में 4 दिन वहाँ भर्ती रहे, 27 के मैंने छुट्टी दिया, तो वह मैंने डॉक्टर फिर नहीं आया, तो फिर वह मैं दूर आग रह गया। 27-28-29 के डॉक्टर आया तो फिर छुट्टी दिया। अच्छा, तो आप जब गिरियक थाना गए थे तो आप आवेदन लिख करके दिए थे? दिए नहीं लिया। अच्छा, आपके वाले आवेदन को नहीं लिया? नहीं लिया। आपका वाला आवेदन कौन है? ये वाला आवेदन जी, यही आवेदन लेकर गए थे? आवेदन लेकर। अच्छा, तो ये आवेदन पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? नहीं लिया। तो फिर किसका आवेदन लिया गया था? हम एक दो बार घूर गए तो नहीं लिया था, में अपने पत्नी को भेजा। अच्छा, कि जाइए आप ये करिए, हमसे नहीं ले रहा। नहीं लेगा। अच्छा, तो आपके आपको कितना टाका पड़ा था सर में? टाका तो 5 को पड़ा था। कितना दिन अस्पताल में भर्ती रहे? मैंने 24 लेके 29 चला। 4-5 दिन भर्ती रहे अस्पताल में। ये। तो देखिए, ये इनकी पत्नी है और इन्हीं के द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि ये लोग जो आवेदन दिए थे, उस आवेदन पर थानाध्यक्ष के द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया गया, और उसके बाद फिर इनकी पत्नी के द्वारा जो आवेदन दिया गया, उस आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आज तक इस मामले में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनकी पत्नी है, क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता देवी, ये कौन हुए? पति हैं। क्या नाम है इनका? बाबूलाल चौधरी। इन्हीं का सर फटा था? हाँ, इन्हीं का सर फटा था। गांव के लोग मारे थे? हाँ, गांव के लोग मारे थे, मार के पूरी घायल से पूरे कर दिए माथा फाड़ के। तो आप तो हम थाना गए थे? हाँ, हम थाना गए थे तो थाना वाला बोले कि पहले इलाज कराइए, चले जाइए अस्पताल। अस्पताल लेके गए तो वहाँ थोड़ा दूर इलाज किया और टाका उका पड़ा, पट्टी उट्टी बांध दिया। अब बोले कि अच्छी रेफल मतलब की कर दिया पावापुरी लेके, तो पावापुरी में भर्ती ले लिए इमरजेंसी रूम में रखे, भर्ती ले लिया। भर्ती ले लिया। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद भर्ती ले लिया तो फिर यहाँ गए थे एक बार थाना, फिर गए थे थाना रिपोर्ट लिखावे लगे। अच्छा, तो नहीं लिया। इनका वाला आवेदन पर नहीं लिया? नहीं लिया। क्या बोला था? बोला था कि तुम झूठ के लिख देता है, ऐसे करके गलत सलत है, तो फिर से लिख के लाएंगे। अच्छा। 3 बार लिख के दिए हैं, फिर भी नहीं लिए इसे। अच्छा, फिर नहीं लिए? नहीं लिए। तो सादा कागज पे आपसे साइन ले लिए थे? हाँ, साइन ले लिए थे। आप जो आवेदन दिए उस पे नहीं लिए? हम ही दिए जो लिए हैं, इन्हें दिए जो नहीं लिए हैं आवेदन, हम ही लिए हैं। अच्छा, आपका आवेदन लिए? हाँ। तो क्या क्या लिखा था वो तो हम नहीं जानते हैं। आपको पढ़ के नहीं सुनाया? नहीं सुनाया। और हमसे खाली हम दस्तखत करने जानते हैं, दस्तखत किए हैं। अरे, आप दस्तखत किए थे? हाँ।
आपको बताया नहीं गया कि इस आवेदन में क्या क्या लिखा हुआ? नहीं बताया। क्या लिखा था आवेदन में? इस आवेदन में इसमें हम तो लिखाए कि लाठी लौठा से मारा है और बरासा है और रड है, इसे से मारा है, पांच गो मिल गए। अच्छा, लेकिन इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा है कि बोले लात घुसा से माथा फट गया। तो लात घुसा से माथा फटता है? तो बोले कि लात घुसा से माथा फटता है, जो लात घुसा से लिखे हैं। तो बोले हाँ लिख दिया, जैसे जैसे बोले हैं ना उसे हम लिख दिए हैं। अच्छा। और तो हमको यह पढ़ने के भी तो नहीं आता है कि कैसे क्या चीज लिखा है नहीं है, कल हम दस्तखत करने जानते हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि भाई जो आवेदन हम दिए थे वो आवेदन नहीं है? नकलवा निकाले तो देखे हैं। अच्छा, कोर्ट से जब नकल निकाले, कोर्ट से नकल से निकाले तो देखे। उसके बाद आप लोग एसपी साहब से भी मुलाकात की? हाँ, एसपी साहब ही गए हैं, तो बोला कि एसपी साहब की जाओ जो कार्रवाई करेंगे थाना में। अच्छा। गिरफ्तार थाना ला बहुत घुसखोर है, जो घुस खाता है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा। जो जाओ हम करेंगे, हमको निकाल दिया, हम चले आए हम लोग। क्या लगता है कि थाना वालों के द्वारा आपको न्याय मिलेगा? बनिया क्या मिलेगा, तो कुछ करवे नहीं करते हैं, नहीं एक बार इंक्वायरी करने का आए हैं और फिर अभी नहीं किया, फिर एक बार भी नहीं, फिर आए गिरफ्तारी नहीं? नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, एक भी अभी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं नहीं हुआ है। क्या करते हैं आपके पति? तार चढ़ते हैं। तार चढ़ते हैं, अपना जो पारंपरिक व्यवसाय है वही करते हैं। तो क्या आपको भरोसा है ना कि पुलिस से न्याय मिलेगा? हाँ, वही तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस से न्याय मिले, मिलना चाहिए, कि अति माथा भी फाड़ दिया और कोई भी रोजगार भी नहीं है, बैठे रहते हैं और दो गो बच्ची है। अच्छा, दो बेटियां हैं? हाँ, दो गो बेटी है, लड़का का तो नहीं है। अच्छा। और वो भी एगो विकलांग है और इसे करके मार पीट किया है, हो सकता कि वहीं पर मर जाता तो क्या होता? क्या लगता है बाबूलाल जी, आपको भरोसा है ना पुलिस पे, न्याय मिलेगा? देखिए, पुलिस जानेगा न्याय दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। एसपी साहब से मिले थे आप? जी, मिले हैं। क्या बोले थे एसपी साहब? वहां बोला कि ठीक है, थाना पर हम कॉल करते हैं, तुरंत कॉल किया। अच्छा। कि मैंने लात घुसा से माथा फटेगा से वैसे तो हम लिख के बना देंगे, से यहाँ लाठी लिखा है, सिटी एक्शन है, वह बात बोला है थाना पर घुसखोर है। तो देखिए, ये बाबूलाल चौधरी हैं जो आदमपुर गांव के रहने वाले हैं और इनके द्वारा गिरियक थाना में एक मामला दर्ज कराया गया था जो गिरियक थाना कांड संख्या 237/2024 है, जो 2 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था और इसमें आईपीसी की धारा 147, 149, 341, 323 और 337 लगाया गया था, जिसका आईओ एक दारोगा दीपक कुमार है, उनको बनाया गया है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि लात और घूंसा से किसी व्यक्ति का सर कैसे फट जाएगा। और जैसा कि ये परिवार आरोप लगा रहा है कि चंदा मांगने का जब हम लोगों ने विरोध किया, उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई, मारपीट में जब ये जख्मी हो गए, थाना गए, जो इनके द्वारा आवेदन दिया गया उस आवेदन को थाना में नहीं लिया गया, बल्कि दोबारा इनकी पत्नी से एक आवेदन लिखवाया गया, जो आवेदन के पक्ष में ये लोग नहीं थे और उसी आवेदन पर FIR रजिस्टर्ड किया गया है। अब जरा आप खुद सोच लीजिए कि कैसे पुलिस पर लोग भरोसा कर सके, जो पुलिस समाज में न्याय देने के लिए जानी जाती है, जो पुलिस विपरीत परिस्थितियों में लोगों का मदद करती है, इस विपरीत परिस्थिति में कैसे इस परिवार को न्याय मिलेगा? आप खुद समझ सकते हैं। ये पीड़ित परिवार जो है नालंदा एसपी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाया है। अब देखना यह है कि आखिर इस पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है, कब तक इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी होती है।